हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रभास सेंगर ब्लॉग। प्रभास सेंगर ब्लॉग पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने मेरे 1000 सब्सक्राइबर कराए, उसके लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं कुछ जिंदगी के फलसफों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, जो कहने सुनने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जिंदगी में अपने ऊपर उतारने पर बड़े अटपटे होते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई तारीफ करता है तो हम खुशी से नाचने लगते हैं, जबकि हम भूल जाते हैं कि हर तारीफ के पुल के नीचे एक मतलब की नदी बहती है। तो फिर भी नहीं समझते वो किसी ने तारीफ की है जम के खुश हो गए। तो इतना ध्यान रखना है कि आपको किस तारीफ पर खुश होना है और किस पर क्या रिएक्ट करना है। दूसरा, आपको एक चीज और बताऊंगा कि आज से कोई 45 या 47 ईयर्स पहले की बात है, मैं अपने पापा के साथ गार्डन में घूमने गया था। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, तो मैंने पापा से कहा, पापा मुझे गुब्बारा चाहिए। तो मैं अपने पापा को बाबूजी बोलता था, तो बाबूजी बोले कि ले लो। तो गुब्बारे वाले, मैंने कहा गुब्बारा देना भाई। तो गुब्बारे वाले ने एक शायद ग्रीन कलर का गुब्बारा मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने कहा नहीं, नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, वो जो लाल गुब्बारा है ना वो चाहिए। तो गुब्बारे वाला बोला, बेटा ये तो सारे एक जैसे हैं। नहीं, मुझे मुझे वही चाहिए। तो मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि बेटा ऐसे लाल गुब्बारे में क्या था। तो मैंने उनको जवाब दिया कि लाल गुब्बारा है ना, ज्यादा ऊंचाई उतर जाएगा, उड़ेगा। तो तब मेरे पापा ने समझाया कि बेटा सभी गुब्बारों में एक ही गैस हीलियम भरी हुई है, सब में बराबर मात्रा में, लगभग 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 बराबर मात्रा में गैस भरी हुई है। तो वो उसी हिसाब से उस हीलियम गैस उड़ाते हैं, गुब्बारे के कलर तो नहीं उड़ाते। जैसे हर आदमी के अंदर दिमाग भी एक जैसा होता है और ईश्वर ने सबको एक जैसा पैदा किया है, एक जैसा दिमाग दिया है, लेकिन कोई उसका उपयोग करके ज्यादा बेहतरीन बना देता है, कोई नहीं उपयोग कर पाता। तो इसलिए किसी के रंग रूप पर ना जाए और उसके गुणों पर ध्यान रखें। आज जिंदगी के कुछ सक्सेस मंत्र के बारे में बात करना चाहता हूँ। वी द वन, यानी हम एक हैं और अकेले पैदा हुए थे, अकेले चले जाएंगे, तो इसलिए ये मैं सोचूं कि हम 10-20 इकट्ठे कुछ कर लेंगे। आपको अकेले ही कुछ करना है जिंदगी में, आपको अपनी जिंदगी की पैरामीटर्स तय करने कि हम किस पैरामीटर्स पर जाना चाहते हैं। बी द वन, गो ऑल आउट, सारी बुराइयां जो हैं आपने अभी तक तो जो कुछ भी किया, जब आपने ये ठान लिया है कि मेरे को कुछ करना है, उसी समय अपने अंदर की सारी बुराइयों को दूर कर दो, छोड़ दो। बुरे दोस्तों के साथ हो, बुरी आदतें हो या कुछ भी हो, आपका ध्यान केवल एक ही होना चाहिए कि आपका ध्येय क्या है। नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं मानिए। जिंदगी चलने का नाम होता है, रुकने का नाम मौत होती है। हार मान जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, हार नहीं मानना है। कोई कमी रह गई, उस कमी को पूरा करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। स्टैंड अप, हमेशा खड़े रहना है आपको मुसीबतों के सामने, अपनी परेशानियों के सामने। जो है जैसा है उसको फेस करना है, उससे डर के भागना नहीं है। बी ए लीजेंट, अरे लीजेंट की तरह व्यवहार कीजिए। कल मैंने एक मोटिवेशनल स्पीच सुनी थी, तो उसमें बता रहे थे कि जंगल का राजा शेर क्यों होता है, उसमें ऐसी क्या खासियत होती है, न साइज में,
साइज में हाथी बड़ा होता है, लंबाई में जिराफ बड़ा होता है, चालाकी में लोमड़ी ज्यादा तेज होती है, फुर्ती में चीता ज्यादा होता है टाइगर। हर जानवर में अपने अपने अलग अलग गुण होते हैं, लेकिन शेर में तो ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जंगल का राजा है। तो शेर से पूछा हमने कि भाई आप राजा क्यों हो, तो उसने जवाब मालूम है क्या दिया कि मैं सोचता हूं मैं राजा हूं, मुझे अच्छा लगता है मैं राजा हूं, मुझे राजा जैसा रहना अच्छा लगता है इसलिए मैं राजा हूं। तो बी ए लीजेंड, आपको भी अपने मन में बनाना है कि मैं राजा हूं, मैं सक्सेस होऊंगा, तो आप सक्सेस होंगे। आपको ब्रेक योर वीकनेसेस, जितनी भी आपकी कमजोरियां हैं उनको तोड़ना है। हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, आप कमजोरियों के चक्कर में पड़े रहेंगे तो आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। हर किसी की होती है, किसी के परिवार होता है, किसी के पैसा होता है, किसी का खाना पीना होता है, किसी के कुछ होता है, किसी का कुछ। तो आपको अपनी कमजोरियों पर विजय पानी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नो हर्डल बिग इनफ, कोई भी परेशानी जिंदगी में इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसको पार न कर पाए। आपको हिम्मत करके हर परेशानी से आगे बढ़ना है। आपको मालूम है सोना एक धातु है, लेकिन जब उसको आग में तपा तपा के आभूषण बनाए जाते हैं तो सब सबकी पहली पसंद हो जाती है और अनमोल हो जाती है। तो वन डाउन लिमिट्स करिए, अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से चेंज मत कीजिए, परिस्थितियों को अपने हिसाब से अपने साथ लाइए। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें हम काम नहीं कर पाते, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनको हम बदल सकते हैं। वर्क इज पेशेंट, काम करते हैं हम लोग, सुबह 10 बजे गए, शाम को 6 बजे आ गए, भैया नौकरी पक्की हो गई, अपने काम हो गया, तो ये तो नौकरी है। जब तक काम आपका पैशन नहीं होगा, आपने सोच रखा है कि मैं ये कर दूंगा, ये करना है मुझे, तो पैशन के रूप में जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेवर ब्लिंक, अपनी जो आपकी टारगेट है उससे ध्यान मत हटाइए। वहां आपका पलक झपकी तो राजा से रंक बनने में आपको टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए नेवर ब्लिंक, अपने पलक भी झपकने मत दीजिए जब तक आपको आपका टारगेट नहीं मिल जाता। बी ए माइलस्टोन, अपने पैरामीटर्स, अपने माइलस्टोन खुद तय कीजिए। आज हमने सोचा कि इस एक साल में मैं करोड़पति बनूंगा, तो ऐसा नहीं कि इस साल में करोड़पति बन गए और आपने अपनी कोशिशें बंद कर दी, नहीं, उससे आगे कि मैं अगले साल 10 करोड़ का काम करूंगा, फिर उससे अगले साल में 100 करोड़ का काम करूंगा। तो हमें अपने माइलस्टोन खुद बनना है, खुद तय करने हैं। पहले भी बताया आपको, यू आर द वन, आपको जब भी ये लगेगा कि यार मैं उससे हेल्प लेके ये काम करूंगा, कभी नहीं कर पाएंगे। आप अकेले हैं और आपको अकेले ही सारे काम करने हैं। बी द गेम चेंजर, बी द गेम चेंजर, आपको अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करनी है कि आप अपनी सोच से गेम चेंज कर दो। इट मींस कि आप जो सोचो किसी का काम बिगड़ रहा है उसको तत्काल बना सको। नेवर स्टॉप, कभी रुकना भी नहीं है आपको। अगर आप रुक गए तो आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मंजिल जो माइलस्टोन आपने सेट किए हुए हैं वो आपको कैसे मिलेंगे। आपने एक साल काम किया फिर रुक गए तो वो फेल हो जाएगा ना, अगले साल कैसे काम चलेगा। तो नेवर स्टॉप, आपको हमेशा ध्यान रखना है, सक्सेस इज योर डेस्टिनी, सक्सेस इज योर डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी है सक्सेस।
आपने जब सोच रखा है कि ये काम मुझे करना है तो वो आपको करना है, डेस्टिनी समझ के कीजिए, उससे कम से कम चलेगा नहीं ये सोचना आपको। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे पास ये डिग्री नहीं है, और या जिन लोगों के रिजल्ट्स निकलते हैं, विद्यार्थी हों या नौकरी पेशा या कोई भी, रिजल्ट में फेल हो जाते हैं तो वो सोचते हैं हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको शायद मालूम नहीं कि दुनिया में 80% से ज्यादा करोड़पति अरबपति लोग, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। इसलिए सेल्फ मेड मैन बनिए, अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, सारी परेशानियों को दूर करिए और हमेशा तरक्की कीजिए, क्योंकि सक्सेस इज योर डेस्टिनी। आज के लिए इतना ज्ञान काफी है, फिर मिलते हैं। आप अपना प्यार इसी तरह मेरे साथ बनाए रखिए, मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, करते रहिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स की आतुरता से प्रतीक्षा है, प्लीज अपने कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन, जय।